भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों से कहें या कई सदियों से आज भी उसी तरह ताजा और अनसुलझे हैं जितने पहले हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश करें उतने ही उलझ जाते हैं। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में भी दफन है। यह गांव पिछले 170 साल से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रात ही रात में वीरान हो गया और सदियों से कई लोग इस रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था, आज तक किसी को भी नहीं पता लगा है। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबो गरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी लगभग आज से 200 वर्ष पहले, जब कुलधरा खंडर नहीं बल्कि पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करता था। लेकिन फिर कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई थी। वो शख्स था रियासत का दीवान सलाम सिंह। दीवान सलाम सिंह उस समय पर सत्ता में था। दीवान सलाम सिंह की गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान सिंह उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि वह किसी भी तरह उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया था। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर होकर उसने उस लड़की के घर पर संदेशा पहुंचा दिया था, यदि अगले पूर्णमासी तक उस लड़की को मेरे पास नहीं भेजा तो वह गांव पर हमला कर उस लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान सिंह और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी। गांव के चौपाल में ब्राह्मणों की बैठक हुई। उस बैठक में अधिकतर परिवारों ने अपने सम्मान के लिए इस रियासत को छोड़ने का फैसला लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी गांव वाले एक मंदिर में इकट्ठा भी हुए थे। पंचायतों ने फैसला किया कि अब कुछ भी हो जाए लेकिन दीवान को यह लड़की नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हो गया कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहद में दाखिला नहीं लेते। कहते हैं गांव छोड़कर जाते हुए ब्राह्मणों ने उस जगह को श्राप दिया था। वक्त बदलते बदलते उसके आसपास के गांव तो दोबारा बन गए लेकिन कुलधरा गांव कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुआ है। वहां पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ खंडर ही खंडर नजर आते हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए खोला जाता है और रात होते ही इसके गेट को बंद कर दिया जाता है। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी शराब से मुक्त है। एक कुआ है जो उस दौर में पानी पीने के लिए एक ही जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती हुई कुछ सीढ़ियां भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहां से आवाजें सुनाई देती हैं। लोगों का मानना है कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जो ब्राह्मणों को मिला था। गांव के कुछ मकान हैं जहां पर रहस्यमयी परछाइयां अक्सर नजर आ जाती हैं। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी सा लगता है लेकिन शाम होते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी गया वो हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली
टीम भी उस गांव में एक रात बिताने को गई थी। जब टीम ने ड्रोन कैमरे को आसमान में उड़ाया तो वहां पर जाकर ड्रोन बेकाबू होकर जमीन पर गिर गया। इतिहासकारों के मुताबिक ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति इस गांव की जमीन के अंदर छुपाई हुई है। इस संपत्ति को निकालने के लिए इस गांव में जगह जगह पर आज भी खड्डे किए हुए हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में फिर से।